हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा था। हाँ जी बताओ। हाँ मैं सर आपके वीडियो देखता हूँ, तो मिलेट्स का मैंने अभी कुछ 1 वीक की बार में चालू कर दिया हूँ मिलेट्स यूज करना। पहले मैं रॉ डाइट पे रहता था, बट मेरे को सर एक समस्या है, मेरी कब्ज नहीं जा रही। कैसे कर रहे हो आप मेरी बताए जरा, जी क्या क्या खा रहे हैं, पूरे दिन का डाइट बता दो। मैं सुबह उठ के सर 9-10 बजे नाश्ता करता, मतलब कुछ भी फ्रूट खाता हूँ 9-10 बजे, कौन सा फ्रूट मतलब खाते दस हो? जो भी सीजनेबल फ्रूट रहता है। सर कल की डाइट बता दो, कल क्या क्या खाया आपने? कल सुबह मैंने 12 बजे सर 2 केले खाए थे, पर 1:30 बजे मैंने कोदो मिलेट्स और सब्जी खाई थी 1:30 बजे, और फिर मैंने 4-5 बजे 2-3 पके आम खाए थे, और फिर रात में फिर मैंने कोदो और सब्जी खाई थी। जी इसमें आप एक काम करो, मॉर्निंग में एक ग्रीन जूस ले लो, करेले का। ग्रीन जूस सर अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहा ना सर, पहले मैं नहीं, ग्रीन जूस ही लेता था। जी ग्रीन जूस में क्या लेते थे पहले? हाँ, पहले मैं पालक और चकुंदर के पत्ते, ककड़ी ककड़ी और जो भी टमाटर वगैरह जो भी अवेलेबल होता था तो मैं वो डाल के पूरा ग्रीन जूस नहीं, बनाता था वो। ये जी आपको ये सर करेला तो मिल ही सकता है, करेला। करेला मिल रहा है सर। जी जी हाँ, तो उसका ग्रीन जूस आपको लेना है। 2-3 करेले ले लो, ठीक है, और जी जी फाड़ के उसके बीज जो है वो अलग कर लेना। हाँ, हाँ बीज निकाल लेंगे। हाँ उसको छोटे छोटे काट के मिक्सी में डाल दो, ठीक है, जी जी और 1-2 गिलास पानी डाल दो उसमें। बस उसको ग्राइंड करके छान के पी लो, पेट साफ हो जाएगा आपका मॉर्निंग में। हाँ अच्छा, मैंने आपका ये वीडियो सुना था, मैंने जो करेला का जूस भी पिया था, हाँ जी बट मेरा ना मोशन नहीं आता सर। 24 घंटे भी हो जाते, कभी कभी छत्तीस हाँ घंटे भी हो जाते, पर मोशन जैसा नॉर्मल मोशन आना चाहिए, बट हमेशा एनिमल लेना पड़ता है तभी मतलब पेट साफ होता है। तो नहीं, ऐसे नहीं है। आप देखो, जी मान सर लो आज आपका पेट साफ हो गया, ठीक है, जी एनिमल हाँ लेके इसके बाद साफ हो गया, तो अगले दिन तो मोशन आएगा ही नहीं, पहले भूल जाओ आप। अच्छा नेक्स्ट एनिमा अगर आज आपने लिया है तो नेक्स्ट डे अपने आप मोशन नहीं आएगा, ठीक है। ज्यादातर अच्छा जी प्रोबेबिलिटी यही है कि मोशन आएगा नहीं अगले दिन, तो आप कोई बात नहीं, ठीक है, मान लो नेक्स्ट डे आपका पेट साफ नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इंतजार कर लो, ठीक है। ग्रीन अच्छा जूस इंतजार वगैरह ले करना। लो, मगर नेक्स्ट डे अनीमा नहीं लेना है आपको, हाँ एनिमल नहीं पता, वेट करना है। जी वेट करना है। अनीमा ले लेंगे तो फिर आप उससे 100% उसी पे, मतलब कि जो है अनीमा फिर लेंगे, अगले दिन भी अनीमा लेंगे, ठीक है, तो जी आपको जी क्विट वो करना है, नेक्स्ट डे अनीमा नहीं लेना है। क्योंकि क्या मान लो, बदबू गंदी आती है ना सर थोड़ा सा इस कारण से। जी देखो ऐसे है, एक दिन में आपकी बॉडी में कुछ नहीं होने वाला है, आप समझ रहे, क्योंकि जी जी आपका डाइट इतना जी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। जी जी इसको छुड़ाने के लिए अनीमा का जो प्रभाव है बॉडी पे, कि भाई ये डिमांड कर रहा है बॉडी कि अनीमा दो अनीमा दो, ठीक है, उसके लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। प्रेशर अच्छा नहीं बन पाता एक्चुअली, जैसे मेरा खुद का भी ये अनुभव है, मान लो अनीमा आज ले लो, ठीक है, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो प्रेशर नहीं बनता, क्योंकि अनीमा इतनी ज़बरदस्त सफाई कर देता है कि अंदर बचता ही कुछ नहीं है, आप समझ रहे। हाँ नहीं मैं लेता हूँ ना तो कुछ नहीं आता, बस कचड़े बातें नहीं है, हल्का पानी पानी में निकल जाता। तो आपके शरीर में कचरा ही नहीं तो निकलेगा क्या? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, एक जी आधे सर दिन आप गैप भी कर देंगे, आप पूरा दिन भी नहीं जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आप हाँ देखेंगे कि अपने आप ही मोशन आएगा। अच्छा सर हाँ, अब इसमें दो बातें समझ लो, एक करेले जी का सर जूस जी और दूसरा पपीता खाना है आपको उसके बाद, ठीक है। जी हाँ मतलब जब भूख लगे तो पपीता, और फिर अपने डाइट के अकॉर्डिंग, क्या मैं किडनी पेशेंट भी हूँ सर तो जी जी मैं मिलेट्स उसी के अकॉर्डिंग जो अपने सिरदानिया का जो प्रोटोकॉल है हाँ जी हाँ उसके जी अकॉर्डिंग मैंने चार्ट बना के मैं वैसे यूज कर रहा हूँ जो अपने सर ने बताया, कादर अली सर ने जी जी तो। बट मेरा पेट ना थोड़ा सा ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती मेरे को ना, बस गैस बनती है बट डकार कर कुछ नहीं आती, पेट बढ़िया खाली रहता है, और भूख भी मतलब फूट के नहीं आती, कभी कभी अच्छी आती है, कभी कभी ऐसा लगता है कुछ नहीं खाओ तो भी चलेगा, 18-18 घंटे कुछ भी नहीं खाएंगे तब भी चल सकता है ऐसा। नहीं, तो आप ये बताओ सर मुझे, डाइट कब से कर रहे हो? ये तो सर मेरे को 7-8 महीने हो गए सर।
तो 7-8 महीने से ही मिलेट खा रहे हो या फिर कोई और डाइट सिस्टम? नहीं नहीं, मिलेट तो अभी चालू किया है, पहले एनडीए फॉलो करता था सर। अच्छा, एनडीए कर रहे? जी तो एनडीएस किया था, बट वो क्या शाम को जो खाना होता था तो ओवर हो जाता था, उस कारण से मुझे। आप वो दाल चावल गेहूं खा लेते होंगे या सब्जियां? मैंने टोटली बंद कर दिए। हाँ वो तो हाँ, एक्चुअली हम पूरा दिन मेहनत करते हैं, वो गड़बड़ कर देता है, मतलब जब हम शाम वो मैंने टोटली अवॉइड कर दिया। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे अपन ये अमली बनाते हैं, हाँ तो इसको अपन आज ज्यादा फायदा लेने के लिए किसके साथ खाएं? बिल्कुल बेस्वाद तो रहती है वो, तो सर आप बता दे थोड़ा, क्योंकि मैं सब वीडियो में सुना खादर वाली सर के, तो वो दाल सब्जी और चटनी या दही बताती हैं, तो अगर मेरे को जैसे मेरे किडनी क्या प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या अच्छा रहेगा उसके साथ? अमली तो बना रहा हूँ सर, रोज बना रहा हूँ जी सर। मेरा अनुभव ये है कि सब्जियाँ अगर ज्यादा तड़का मिर्च मसाला लगा दो तो वो नुकसान करती है, गैस भी बना। नहीं मैं इससे बिल्कुल नहीं तड़का, मैं मेरी वो कढ़ाई है मिट्टी के बर्तन की जी, मैं उसमें पकाता हूँ और हल्का सा ऊपर से हल्दी डाल के नमक डाल के जी, और उसको उबाल के, और वो मेरे कभी कभार जैसे इमरजेंसी में ड्यूटी में रहता हूँ तब कभी बन जाती तो यूज कर लेता हूँ, बाकी जब कोशिश ये रहती कि उसको वैसे खाऊं। देखिए अम्बली जो है थोड़ा बहुत आप वैसे खाओ, बाकी पेट भरने के लिए आप चावल के फॉर्म में खाओ उसको, आप समझ रहे? चावल के फॉर्म में। हाँ बेसिकली क्या है कि हम अपनी बॉडी में जो आंतों में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बढ़ाने के लिए अम्बली खाते हैं, तो आप थोड़ी बहुत मात्रा में आप अम्बली खाएं, बाकी जो है आप पेट भरने के लिए आप जो है पूरा का पूरा जो है उसको चावल के फॉर्म में खाएं या खिचड़ी के फॉर्म में। अच्छा खिचड़ी के फॉर्म में, खिचड़ी के फॉर्म में ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप चीजें खिचड़ी में सब्जी डाल सकते हैं जैसे सर ने बताया। यस यस यस, सब्जी आप ऊपर से डालो, इससे क्या होगा कि आपको तड़का नहीं लगाना पड़ेगा, वो स्वाद भी आएगा, टमाटर वगैरह डाल दो तो उसी में आ जाएगा। हाँ जी। बाकी गैस के लिए जैसे आप गैस कह रहे हैं, गैस वगैरह थोड़ी बहुत बन रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1-2 चम्मच देसी गाय का घी शाम को मिलेट में डाल देना है। अच्छा हाँ, गाय का घी, देसी गाय का, वो तो घर में देसी गाय का घी बनता है सर, घर ही हम लोग बनाते हैं। बहुत बढ़िया भाई साहब, आप 2-2 चम्मच खाओ, फिर 2-2 चम्मच रोज शाम को डाल देना है आपने मिलेट में। अच्छा घी नुकसान तो नहीं करेगा सर? हाँ जी नहीं 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 नहीं, कोई नुकसान नुकसान नहीं करेगा, नहीं नहीं देसी गाय का बिल्कुल नुकसान नहीं, ठीक है आपको डालना है जी सर, शाम को डालना है, जब शाम को खिचड़ी बनाओगे मिलेट की उसमें डाल देना। अच्छा दिन में अमली बना ले, शाम को खिचड़ी बना ले, तो इसमें क्या रहेगा कि शाम को पूर्ति भी हो जाएगी भोजन की और दिन में अपना फास्ट वो भी हो जाएगा, अपना बॉडी के उस ऑर्गन्स को रेस्ट भी हो जाएगा। हाँ हाँ ये करो आप, दिन में अम्बली चालो, शाम को ये चावल के फॉर्म में खिचड़ी कर। हाँ जी हाँ जी खिचड़ी चालू कर लें जी सर। हाँ। जी सर बिल्कुल, और दिन में अगर अम्बली बनाते तो कोई भी सब्जी जो बनती है घर में जैसे हरी सब्जी बनती तो उसके साथ अपन ले सकते उसको। हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते, बस गोभी वगैरह अवॉइड करना, ठीक है गोभी का? गोभी तो अवॉइड करते हैं, गोभी तो मैं बताऊं गैस बनाती है वो। हाँ हाँ आपने बताया अपने वीडियो में, तो मैंने सुना था उसके बारे में, गोभी वगैरह तो अवॉइड करते हैं। जी 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 बिल्कुल ठीक है सर, ओके ना जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम।